भारत और रूस जल्द ही पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ विकास पर कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। माना जाता है कि करीब 25 अरब डॉलर के इस प्रोजेक्ट के तहत 125 विमान बनेंगे। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही एक समझौता हो सकता है, जिसे रक्षा हलकों में बेहद अहम माना जा रहा है। भारत और रूस ने 2007 में इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी स्तर पर समझौता किया था। 2010 में भारत ने लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिजाइन के लिए करीब 29.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर करीब 1900 करोड़ रुपयों का भुगतान करने पर सहमति जताई थी और 2013 में प्रारंभिक डिजाइन तैयार भी हो गई थी, लेकिन बाद के सालों में बातचीत में कई बाधाएं सामने आईं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गतिरोध टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ही हुआ। कई सालों की देरी के बाद पिछले साल फरवरी में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मंजूरी के बाद भारत और रूस ने इस प्रोजेक्ट पर बातचीत फिर से शुरू कर दी थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दे देखने के लिए भारत में एक कमेटी भी बनाई गई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विमान की डिजाइन के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरा करने के लिए लगभग सभी बेसिक काम पूरा हो गए हैं। विस्तृत डिजाइन के लिए कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही साइन होगा। गौरतलब है कि जून में पीएम मोदी रूस की यात्रा पर होंगे। क्या भारत ने इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी पूरी तरह है ट्रांसफर करने की शर्त रखी है? इस सवाल पर सूत्रों ने बताया कि दोनों देश साथ मिलकर विकास करने जा रहे हैं, तो भारत के पास टेक्नोलॉजी के बराबर अधिकार होंगे। भारत सभी अहम तकनीक इसलिए चाहता है कि वह अपनी जरूरतों के अनुसार विमान को अपग्रेड कर सके। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के नेतृत्व ने भी यह मान लिया है कि चूंकि भारत इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा तो उसे तकनीक में बराबर का हक मिलना चाहिए।